हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गार्डनिंग माय लव। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने छोटे छोटे प्लांटर्स की। जिन छोटे छोटे प्लांटर्स में हम पौधे लगाते हैं, पौधे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि मनी प्लांट है, मिनी सिंगोनियम है, ये बिल्कुल कप के साइज़ का पॉट है और इसमें काफ़ी अच्छे से चलता है। इसको बड़े पॉट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप बड़े पॉट में रखना भी नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी इनकी मिट्टी सूखती है इतनी जल्दी हम पानी देते हैं और जितना पानी देते हैं उनको उतने ही पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं। तो ये पौधे छोटे प्लांटर्स में ही अच्छे चलते हैं, लेकिन इनको गर्मियों में संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनकी मिट्टी सूखती है सुबह शाम। ये प्लांट कुछ लोग इसको डमकिन प्लांट भी बोलते हैं और कुछ एग्लोनिमा भी बोलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही नाम क्या है। ये मेरा जेड प्लांट है और ये जेड प्लांट को हम आउटडोर रखते हैं, इसको धूप की बहुत ज़रूरत है। ये दो मेरे आउटडोर प्लांट हैं, इनको धूप में रखना ज़रूरी है और मिट्टी सूखती है तो पानी देना ज़रूरी है, डेली पानी देने हैं। लेकिन जो लोग डेली पानी देते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन जो लोग दो तीन दिन में अपने प्लांट्स को पानी देते हैं या डेली नहीं देखते हैं, कम उन पर नज़र रखते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उनके इस तरह के प्लांट्स सूख जाते हैं मिट्टी सूखने पर और गर्मी की गर्म हवा से भी ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो जो लोग कम अपने प्लांट्स का केयर करते हैं, डेली उसको ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए केयर है स्पेशल कि इन इंडोर प्लांट्स को आप जून और जुलाई की गर्मी में अंदर शिफ्ट कर लीजिए। एक प्लांट हो तो उसको नहीं करना है क्योंकि अकेले प्लांट्स कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। दो तीन प्लांट्स हैं तो दो तीन प्लांट्स को ग्रुप में आप अंदर शिफ्ट कर लीजिए और इनमें दो तीन दिन में आप पानी दे दीजिए। तो एक ये भी ठीक रहता है एक तरीका, जिससे कि हम अपने प्लांट्स को ठीक रख सकते हैं। एक ट्रे में रखिए, छोटे छोटे प्लांटर्स एक ही ट्रे में आ जाते हैं, जब आप उनमें पानी देंगे तो ट्रे में पानी चला जाएगा तो वो पानी भी काफ़ी देर तक इनको ठंडक देता रहेगा। और दूसरा, जब भी इनको पानी दें आप मिस्टिंग करिए, मतलब कि इनको शावरिंग करिए। आप अपनी सिंक में टंकी के नीचे हाथ से फैलाकर भी दे सकते हैं और अगर आपके पास शावर है तो आप उस शावर कैन से भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने प्लांट्स को बालकनी में रखते हैं, गर्म हवा भी लगती है, धूप नहीं आती है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, तो आप इस तरह बड़े पॉट में जो कि शेड में रखे रहते हैं उसमें अपने इस तरह गमलों के ऊपर रखिए। तो उससे क्या होता है कि जब हमारी मिट्टी सूख जाती है तो नीचे के गमले से वो मॉइस्चर लेते रहते हैं, तो हमारा प्लांट दो तीन दिन तक आसानी से सर्वाइव कर जाता है। तो उनको डेली देखना नहीं पड़ता है। और यदि किसी के पास एक या दो ही इंडोर प्लांट हैं और आप उसको अंदर नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह रखिए और आप जब आप पानी देंगे तो बहुत अच्छे से दीजिए, तो हमारा नीचे का जो पॉट होता है उसकी मिट्टी दो तीन दिन में सूखेगी और ऊपर वाले प्लांट्स को भी अच्छे से मॉइस्चर देती रहेगी। तो इस तरह अपने प्लांट्स को बचाइए गर्मियों में, क्योंकि अगर आप उसको ज़मीन में रखेंगे या नीचे किसी भी गमले में नहीं रखेंगे तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी और आपको डेली सुबह शाम पर नज़र रखनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, तो आप बचा सकते हैं इस तरह। और ये मेरे आउटडोर प्लांट हैं, जब मैं अभी तो मैं देखती रहती हूँ, डेली देखती हूँ, सुबह शाम जब भी मिट्टी सूखती है पानी दे देती हूँ। यहाँ पर मैं अपने इन पॉट्स को रखती हूँ आउटडोर को, यहाँ पर धूप अच्छी लगती है। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं दो तीन आउटवर पर, और क्योंकि गर्मी आ रही है, सबकी छुट्टियां हो रही हैं, तो ऑब्वियसली सभी लोग जाने वाले हैं घूमने, तो वो अपने इसी तरह अपने छोटे छोटे प्लांटर्स को बड़े पॉट में रखिए, तो आपके ऊपर के छोटे छोटे प्लांट्स भी बचे रहेंगे और आप इस तरह आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन घूमने जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। थैंक यू।